अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी YouTube फैमिली, कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँगी आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुश रहे, आबाद रहे, अल्लाह ताला का खास खास करम हो सबके ऊपर। तो अभी जैसे कि सुबह सुबह का टाइम है, तो अम्मी जो है नाश्ता वगैरह बना रही है, मैं जो है उठी हूँ, मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, अब जो है मैं मेडिसिन वगैरह खाऊँगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों ने हमारे साथ इसी तरह बनी रहना। चाय बनी और ख़त्म भी हो गई, वाह, ये हमारे घर की मिसाल है। कल बनाई थी चने की दाल, ये देखिए। अच्छा जी, आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊं, कल जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया था, सरसों के साग को तड़का देने लगी थी और वो जो है ना जल गया था। तो ठीक शाम को जो है ना सात वाली बराबर वाली आंटी ने जो है ना सरसों का साग दिया है, वो जो है ना अब तक फ्रिज में रखा हुआ है, क्योंकि हम सब ने खाना वगैरह खा लिया था, तो हमने उसे किसी ने भी नहीं खाया है। तो अभी जो है ना उसको सुबह के नाश्ते में गर्म करते हैं और पहले वाली गलती नहीं करते, अभी साथ बैठ के उसको गर्म करेंगे। आरिफ अब पानी भर के दे रहा है, फिर मेडिसिन खाते हैं, और मेडिसिन भी बाहर ले आई है। इसको देखिए आप लोग, इसको ये क्या लेकर आ गए? रम हाथ में क्या है तुम्हारे? गाड़ी। हर चीज को जो है ना इसने गाड़ी बनाया हुआ है। आठ दिन की मेडिसिन पड़ी हुई है, इतनी गंदी मेडिसिन, बस देख के मेरा इतनी मोटी मेडिसिन है, मुझसे एक ही खाई जाती है। लोग पता नहीं कैसे वो तीन चार निकाल के। अभी चलते हैं मेडिसिन अंदर रखते हैं और फिर उसके बाद साफ वगैरह लेते हैं। ये देखिए अम्मी हमारी सियानी, अपना हिस्सा अलग निकाले, मेरा हिस्सा अलग निकाले। ये मैंने निकाले, तुमने? अच्छा, बड़ा कौन है? किसी से भी पूछ लो, बड़ी मैं हूँ, मेरा ज्यादा हक बनता है, ठीक है ना? मेरा भी नहीं। हाँ, जरा सा साग निकाल के मैंने नहीं खाना, मैं खा लूंगा, कोई बात, मैंने अब्बू को बोला है। कार्टून अरहम, सलाम कर, ठीक हो दी? हाँ। एक
चिड़िया तेरी ठीक है? ओ चिड़िया को चार्जर तो लई बदी हो चार्ज करे ना भाई चिड़ी को हो देखड़ी बैटरी लो थी गेस हो देखो का यहां के गाड़ी आके चिड़िया को चार्ज करा ओए ना कार खराब थी वैसी। सुबह सुबह ये जो है ना लेके बैठ गया अपना बैंक। अब क्या कर रहे हो आकिफ? कलर को छोटा मैं पहले समझ गई हूँ ये शॉपनर कर रहा होगा बैठ के। कलर दिखाना अपने जरा। सारे भिगे गए हैं। कैसे खुलती है इसकी? रोज की ड्यूटी यही होती है। एक से खोल के दो तो बस तक। और ये देखें ये कलर देखें पिद्दे पिद्दे कलर। पेंसिल भी देखो ये तुम्हारी पढ़ाई हो। ये वाली पेंसिल देखो होमवर्क किया था अपना? वो भी अभी एक काम ही नहीं करता। पेपर आने वाले है ना 1 तारीख को पहला पेपर है। होमवर्क किया था या नहीं आकिफ? नहीं मिलता। अच्छा अब नहीं मिलता? पहले इसको घर का होमवर्क मिलता था ना तो घर आके पढ़ाई करता था। अम्मी इधर बर्तन वगैरह धो रही। अम्मी और अबू जी माशाल्लाह से चले गए हैं काम पे। सुबह 8 बजे अम्मी और अबू चले गए थे और अभी जो है ना टाइम बज रहा है 11 बज रहे हैं। लाइट जो है ना चली गई थी, मैं वॉशरूम का पानी भर रही थी। उसके बाद मैंने जी कपड़े वगैरह धोए हैं। अम्मी जो है ना कपड़े वगैरह भिगा के गई थी। कपड़े वगैरह धोने के बाद मैंने चढ़ाई है दाल। कल भी दाल, आज भी दाल। दाल से पता नहीं हमारा कौन सा रिश्ता है कि दाल ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन खैर जो भी मिले अल्लाह ताला का बहुत बहुत करम है। लेकिन आपको पता है इंसान जो है ना एक चीज़ खा खा के भी थक जाता है। देखते हैं हमारी दाल कहाँ तक पहुँची है। गैस मैंने थोड़ा सा स्लो आंच पे दिया हुआ है ताकि दाल का पानी जल्दी ना सूखे। कल बनाई थी चने की दाल, सुबह आप लोगों के साथ शेयर की थी। आज जो है ना बनाई है मूंग की दाल। अभी इसको अच्छे से पानी थोड़ा बहुत खुश्क हो जाए उसके बाद फिर इसको गोटा वगैरह लगाएंगे। हरा धनिया ख़त्म है लेकिन यहाँ पे हमारे एरिया में मिल भी नहीं रहा तो हरे धनिया के बगैर ही अब इसको बनाएंगे। और मेरा हिस्सा जो था ना चाय का वो भी अरम ने पी लिया है। अब मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैंने सुबह सुबह साग के साथ नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने चाय नहीं पी थी। घर के काम वगैरह ख़त्म किए, घर के कामों में लगी थी। आपको पता है छोटे छोटे से काम होते हैं। अब डस्टिंग वगैरह की है, चाय जो है ना ख़त्म हो चुकी है। अब सर में दर्द हो रहा है तो क्या कहते हैं दुशांदा जो है ना हमारा गाँव वाला पड़ा हुआ है तो अब दुशांदा ही बना के पी लूँगी ताकि थोड़ा बहुत सा सर में जो दर्द हो रहा है उससे तो मुझे आराम मिलेगा। तरपाई पे आके अभी जो है ना बैठ गई हूँ। पीछे ये जो है ना रिली पड़ी हुई है, रस्से फूल हुआ खड़े हैं। अभी जैसे थोड़े बहुत से कपड़े सूखते हैं फिर जो है ना रिली को ऊपर डाल देंगे। और मक्खियाँ पता नहीं क्या इतनी हो गई हैं, हद से भी ज़्यादा। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोगों ने हमारी वीडियो को करना है मुकम्मल वाच। आप लोगों से बस हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को वाच करके हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं। हमें खुशी होती है कि हम जो है ना इतनी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं। डेली का एक न्यू कॉन्टेंट जो है ना लेके आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल वाच किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इंशाल्लाह अब जो है ना कल आप लोगों को न्यू वीडियो में मिलूंगी। दुआ में रखना याद, अपना रखना बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।